सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट, नाउ यस अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। नाउ फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोगों को फार्मूला लर्न करना है कि कैसे ये फार्मूला फॉर्म हुआ है एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द यस स्क्वायर, फार्मूला फॉर द स्क्वायर। नाउ सी द रेक्टेंगल, नाउ देयर आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑल साइड्स। ओके इन ऑल साइड्स द टू टू साइड्स आर सेम इन लेंथ। जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होते हैं, दो दो साइड की लेंथ क्या होती है, सेम। तो जो लॉन्गेस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस रेक्टेंगल का लेंथ, और जो शॉर्ट लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड। तो ऑब्जर्व द फिगर, अब इस फिगर में देखो, ऑब्जर्व करो क्या दिया यहाँ पे, जो लॉन्ग लाइन है, जो लंबी लाइन है सेगमेंट की, उसको हमने क्या नाम दे दिया, लेंथ, और जो शॉर्ट लेंथ है उसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रेड। ओके नाउ यस यू हैव कैलकुलेटेड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इज द पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स। जो क्लोज फिगर है उसके जितने भी साइड्स होते हैं उस साइड्स की लेंथ का क्या करना पड़ता है, सम। नाउ हियर वी विल ऐड द टू टाइम्स लेंथ एंड टू टाइम ब्रेड, बिकॉज देयर आर द टू लेंथ, दो लेंथ है एंड टू ब्रेड्स है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर सेम इन लेंथ। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस द लेंथ, बिकॉज इस लेंथ केम ट्वाइस हियर। यहाँ पे क्या होगा, वेन वी टेक द सम ऑफ द ऑल फोर साइड, तो लेंथ विल बी रिपीटेड ट्वाइस एंड ब्रेथ विल ऑल्सो विल रिपीटेड ट्वाइस। तो ट्वाइस द लेंथ प्लस ट्वाइस द ब्रेथ। ओके इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, दो बार लेंथ और दो बार ब्रेथ मिलेगा। तो टू ट्वाइस द लेंथ मीन्स टू इंटू लेंथ एंड ट्वाइस द ब्रेथ टू इंटू ब्रेथ, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हियर व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज इट्स फार्मूला। तो फार्मूला ऑफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज टू इंटू लेंथ प्लस टू इंटू ब्रेथ। Okay, now see the example. The length of rectangle below is 7 cm and its breadth is 3 cm. Find out the perimeter of this rectangle. Now, perimeter of the rectangle PQRS is equals to 2 into length plus 2 into breadth. Now, observe the figure. Breadth is 3 cm and length is 7 cm. तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर का है और लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो क्या दिखाई दे रहा है इस फिगर में, कि जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 2 into length means 2 into 7 because length is 7 cm plus 2 into breadth, breadth is 3 cm. So 2 7 is 14 and 2 3 is 6, 14 plus 6 is equals to 20. So therefore perimeter of rectangle is 20 cm. Now, yes, remember the formula of the perimeter of rectangle. Yes, now here it is given in this box. Box mein diya hai na, yes, kya hai, 2 into length plus 2 into breadth. Now next, फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। वी नो दैट यस ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल यस स्क्वायर्स आर इक्वल। क्या होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं। द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। तो क्या होगा, ये 4 टाइम्स, बिकॉज ये सेम लेंथ वी हैव टू ऐड द 4 टाइम्स। ओके तो दैट्स वाई पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ द वन साइड। ओके कोई भी एक साइड लेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज क्या करना पड़ता है, यस देयर आर द टोटल 4 साइड्स, टोटल 4 साइड्स है।
और टोटल फोर साइड्स है, तो उसी साइड्स को क्या करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन फोर टाइम ऐड करना पड़ता है। तो क्या करेंगे इसके फॉर्मूले में, यस फोर टाइम सेम थिंग्स रिपीट होता था, दैट्स वाई फोर इंटू वन साइड, फोर इंटू वन साइड, कोई भी एक साइड जो है उसकी लेंथ, बिकॉज ऑल लेंथ आर सेम, तो क्या करना पड़ता है, फोर इंटू साइड्स करना पड़ता है। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, यस पेरीमीटर ऑफ रेडियस स्क्वायर मिल जाता है। एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर है, उसकी एक लेंथ कितनी, 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 times द लेंथ ऑफ वन साइड, therefore perimeter of square is equals to 4 into length of the one side. So yes, here the length of side is given 6, so 4 into 6 is equals to 24, 4 6 are 24, therefore perimeter of the square is 24 centimeter. Okay student, do you understand? सीरियल नंबर में 28 डाले, एडिट नहीं हो रहा है। फॉर्म नंबर ये 28 जो डाल रहे वो आता है क्या, उसमें प्रिंट निकालते तो उसमें आता है नंबर, आता है फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। ओके, यू हैव टू write that formula 5 times at least, and you have to remember it, okay, because it is very very useful to you and it is very very needful to you, okay, so that's why you have to remember the formula, okay. If you have any doubt, ask to me, then I will end the meeting. Yes student, is anybody having any doubts? Okay, now yes, I am ending the meeting.